जब से मोबाइल हमारे जीवन में आया हमारी जिंदगी देखिए कितनी बदल गई है। इस मोबाइल से हर शख्स परेशान है क्योंकि हमारा पीछा करता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे। और इससे सबसे ज्यादा परेशान है शादीशुदा, क्योंकि आजकल वाइफ के पास भी मोबाइल, हर वाइफ घर बैठे लोकेशन लेती, कहां पहुंचे, फिर थोड़ी देर बाद अभी निकले नहीं, वीडियो, हाँ आपका अलग है मामला, इनकी वाली ज्यादा एडवांस है, ये वीडियो कॉल का मामला उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनका मामला थोड़ा गड़बड़ होता है, दिखाओ कहां पर हो, तो ऐसे में आदमी कॉल रिसीव करते करते बोलता है नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, फिर उसको थोड़ जाओ नेटवर्क, हाँ अब थोड़ा नेटवर्क सही आया, तब उसकी वीडियो कॉल लगती है। लेकिन वाकई में होता है हर वाइफ लोकेशन लिखती रहती है कहाँ पहुंचे, फिर 10 मिनट बाद ऑफिस से निकले कि नहीं निकले, कई बार आदमी स्कूटर से चला जाए, वाइफ का फोन ढपाक, आदमी उधर स्कूटर उधर, मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, पत्नी का फोन ना उठाओ तो भी टेंशन, मेरा फोन उठाया क्यों नहीं, घर पे आओ तुमको उठाते हैं यहाँ, बोले हर एक आदमी टेंशन में घूम रहा है क्योंकि हर एक आदमी की पत्नी उसको ढूंढ रही कि मेरा आदमी कहाँ है। मैंने देखा तो विधवा औरतें बातें कर रही थी, विडो, बोली बहन इन शादीशुदा औरतों से अच्छे तो हम लोग, कम से कम अपने को ये तो मालूम रहता कि अपना आदमी है कहाँ। ढूंढना तो नहीं पड़ता है। अच्छा कमाल की बात है, मोबाइल ने हमें झूठ बोलना सिखाया, आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से, पहले हम लोग इतना झूठ नहीं बोलते, जब तक मोबाइल है कोई आदमी सच बोलते नहीं, किसी को पूछो कहाँ है बताएगा नहीं कहाँ पर, किसी को फोन करो घर में रजाई ओढ़ के सो रहा है, पूछो कहाँ बोलता है मीटिंग में, समझ में नहीं आता रजाई के अंदर कौन सी मीटिंग चल रही है। आपको अपना पैसा अगर वापस देना है किसी से, वो आदमी कभी घर पर नहीं मिलेगा, जब भी फोन करो कहाँ दिल्ली लौट के दूंगे यार, कहाँ बंबई, कहाँ दुबई। अच्छा मुझे भी किसी से पैसे वापस देने थे, जब भी फोन करो दिल्ली मुंबई दुबई, एक दिन मैं उसके घर पे पहुंच गया, देखा छत के ऊपर खड़ा हुआ है, मैंने नीचे से छिप के फोन मिलाया, पूछा कहाँ, तो टेंशन में आ गया, उधर मैं सिंगापुर में हूँ, सिंगापुर, फिर मुझसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है, मैं बोला नीचे उतर गया सिंगापुर के गेट पे खड़ा हूँ। इतना झूठ बोलने लगे। पहले हमारे घरों में लैंडलाइन होता था, बड़ी शांति की लाइफ थी, लैंडलाइन घर में बजता था और इतनी जोर से बजता था, डुर, 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 चार घर दूर तक पता चलता था कि फलाने के यहाँ फोन आया, लोग आते थे, संस्कार थे उस वक्त हमारे अंदर, किसी का फोन आता था हम उठाते थे, हाँ नमस्ते अंकल जी, कौन, मामा जी नमस्ते, अरे चाचा जी नमस्ते, फूफा जी हाँ नमस्ते, ताऊ जी रॉन्ग नंबर, मतलब चार लोगों को नमस्ते करने के बाद पता चलता था रॉन्ग नंबर। आजकल तो लोगों का नाम मोबाइल में फीड है, नमस्ते दुआ सलाम भी खत्म हो गया, सीधा नाम देगा हाँ बोल। अच्छा लोगों को देखो कितने एडवांस हो गए, लोगों की पत्नियों का कितना प्यारा प्यारा नाम होता है, सुनीता ज्योति बबली पिंकी अनीता, लेकिन तमाम लोगों को देखा है पत्नी के नाम की जगह कुछ और ही फीड कर रहे, आग का गोला, सुनामी, हुदहुद। मेरा एक दोस्त मोबाइल छोड़ के चला गया, उसका बज रहा था आरटीएक्स, मैं बोला ये क्या है, नहीं तेरी भाभी को। इतना लेकिन ये जो मोबाइल है ये आजकल के यूथ के लिए बड़ा बदलाव है, नए नए जो लड़के लड़कियां हैं, किसी लड़की का नंबर मिल जाए ऐसा कोड वर्ड में फीड करते हैं, किसी के बाप भी नहीं पता चलता, मोबाइल में इतने ताला चाबी आ गए हैं, ये पैटर्न ये लॉक कर दिया ये पिन ये, तो बाद में खुद ही सोचते हैं कौन सा डाला था कैसे, खुद ही परेशान हो जाता, बोले इतना कोड वर्ड में फीड कर लेंगे बाद में फिर लगे रहते हैं, अच्छा सुनता है तो, ले 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 ले।
जमाना कितना बदल गया। पहले जब प्यार किसी को होता था तो लोग प्यार में फना होते थे, दीवाने होते थे, पागल होते थे। आजकल प्यार में लोग कुतला जाते हैं, देखा होगा, तोतले हो जाते हैं। अले ले 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 छोटा बाबू, मेरा लाजा बेटा, लाजा बेटा ही मेरा कुछ 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 क्या ये? तो कोई किसी का नाम कुछ भी रख देता है, चीटी, जानू, कुच्चू, ऐसे सब रखते हैं लोग। तो लड़कियों को बड़ा एक्साइटमेंट होता कि मेरे इसने पता नहीं कैसा नाम रखा। एक दिन मौका मिल गया, लड़की को मोबाइल निकाला, मैं अपना नाम तो चेक करूं कैसा नाम फीड किया है। पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई, उसका नाम ही नहीं आया। मैंने तो रोज लगा रहता है दो दो घंटे, हाँ नाम ही नहीं। फिर उसने अपने मोबाइल से डायल किया कि अब तो नाम निकल के आएगा। उससे जो नाम निकल के आया, लड़की अपना नाम देख के बेहोश हो गई। उसमें लिखा था जुगाड़ नंबर 5। जिस हिसाब से इधर तालियां बज रही, लग रहा है काफी जुगाड़ू लोग बैठे हुए। अच्छा, लड़का टेंशन में आ गया, मेरी तो पोल खुल गई, मैं क्या करूं। उसे बोला मैं भी इसका मोबाइल निकालू, मैं भी चेक करूं इसने मेरा नाम क्या फीड किया है। लड़का अपना नाम देख के कॉमा में चला गया। उसमें लिखा था मोबाइल रिचार्ज कराने वाले भैया। रिचार्ज करवाई जा रही थी। तो बड़ा सोचना समझना पड़ता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।